नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी ऑफिस में लगातार तैयारियां चल रही हैं। आज प्रस्तावकों की सूची तैयार हो चुकी है और रामचंद्र पूर्वे हों या फिर भोला यादव हों, सभी जितने हैं आरजेडी के, वो सभी आरजेडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का आज नामांकन होना है, 11वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा और जितने नेता हैं वो तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त आरजेडी विधायक सुधीर यादव जी हमारे साथ हैं। सर, लालू प्रसाद यादव की नॉमिनेशन की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं? पूरी तैयारी हो गई है। आज चूँकि लालू यादव हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और उतना ही नहीं, बिहार के 11 करोड़ आवाम के अखंड छाओं के प्रतीक भी हैं। सभी लोगों ने आस्था व्यक्त किया है, इसीलिए राष्ट्र परिषद से लेकर राष्ट्रीय परिषद के लोगों ने भी अपनी सहमति जताई है कि हमारे वही परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सत्तापक्ष जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जेल में बैठ कर कैसे राजनीति हो सकती है, ये जेल मैनुअल के खिलाफ है, लालू प्रसाद यादव ठीक नहीं कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं? देख लीजिए, ये सब इन सब बातों पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जेल में लालू यादव किन कारण से हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं उनको पता है, समझ गए कि नहीं? यहाँ पूरी तरह बिहार की जनता, पार्टी, परिवार, पूरा विधायक लोग, सब लोग आस्था व्यक्त करता है लालू यादव के तरफ से, तो उन सब छोटी मोटी बातों पर हम लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं और प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ही प्रस्तावक होंगे, खुद आएंगे? तेजस्वी यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से यहाँ फॉर्म को राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी को सुपुर्द करेंगे। नॉमिनेशन होगा आज और सभी जितने हैं, सभी तैयारियाँ, हाँ सब पूरी तरह से, सभी माने बोले ना, पूरी पार्टी, पूरे बिहार का जनता, राज्य परिषद, राष्ट्रीय परिषद, सब लोगों का आस्था है, पूरा समर्थन है, सहयोग है। 2020 की लड़ाई लड़नी है उन्हीं के नेतृत्व में पूरी तरह। अभी तो देख रहे हैं कि आप हमारा नया संगठनात्मक राज्य के चुनाव का हुआ है और पूरे मुस्तैदी के साथ हमारे जो नए नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं परम आदरणीय श्री जगदानंद सिंह जी, तो अभी से ही लोगों का हमारे पार्टी के तरफ रुझान होने लगा है, सब लोग आस्था व्यक्त करने लगे हैं और आप भी आए होंगे तो सब चीज़ बदला दिख रहा होगा। तो ये चीज़ सिस्टम और मैनेजमेंट को चेंज करने में आरजेडी लग गई है और लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, किस तरीके से आरजेडी ऑफिस में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के चैम्बर में ही जितने नेता हैं, भोला यादव हों या फिर उदयनारायण चौधरी हो, ये सभी नेता वहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी तस्वीरों से लाइव सिटीज आपको रूबरू करा रहा है। सुधा यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव खुद पहुँचेंगे, उनका नॉमिनेशंस करेंगे, लालू प्रसाद यादव का प्रस्तावक भी वो खुद होंगे। आप लाइव सिटीज देखते रहें, सभी तस्वीरें देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।